दिखते हैं प्लेयर के मरने के बाद हेड ड्रॉप होता है कि नहीं। और फाइनली वाओ यार, मतलब लिटरली हमारी मेहनत सक्सेस हुई और हेड ड्रॉप हो चुका है। ये एक परफेक्ट हेड स्टील एसएमपी बन चुका है और हेड लग भी गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि आज की वीडियो में हम लोग एक हेड स्टील एसएमपी बनाने वाले हैं। हाँ, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था जैसे कि तुम लोगों के सामने दिख रहा है, और बहुत लोगों को तो यह भी नहीं पता कि आईपीओ रिपोर्ट कहाँ से चेक करते। तो आज सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैंने अपना अबाउट डिस्क्रिप्शन चेंज कर लिया है। तुम लोग यार ओपी हो, इसलिए मैंने डाल दिया है अपना अबाउट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सब्सक्राइबर ओपी। तो जाके हमारा एक स्लोगन बनने वाला है। अगर कोई भी बंदा अगर चैनल को सब्सक्राइब करता है तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को बस एक चीज लिखनी है, सब्सक्राइबर ओपी। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, और बाकी दिल से यार लव यू गाइस, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर बार की तरीके से तुम लोगों को आ जाना है एटर्नोस के सर्वर पे, और यहाँ पे तुम लोग अपना क्रिएट कर लेना एक बढ़िया सा सर्वर, और सर्वर का बढ़िया सा नाम डाल देना, और सर्वर बनके तुम लोगों का तैयार हो जाएगा जैसे कि तुम लोगों के सामने दिख रहा है। उसके बाद तुम लोगों को छोटा सा काम करना है, सॉफ्टवेयर को चेंज करना होगा। यहाँ पे जाके तुम लोगों को पेपर बकेट सेलेक्ट करके लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर देना। ये इसलिए बिकॉज ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, जिसने मेरी पिछली वीडियोज देख रखी है उन सबको पता है। ठीक है, और एंड में एक वीडियो आएगी उस पर भी क्लिक कर लेना। ठीक है, और ऑप्शन में जाना है तुम लोगों को, यहाँ पे भाई चार चीजें करनी है तुम लोगों को। सबसे पहला ये स्लॉट वाला जो सेक्शन होता है, इसमें अगर तुम बंदे बढ़ाते हो तो मे बी सर्वर लैग कर सकता है। अगर अच्छा डिवाइस है तो, अच्छा नेट है तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसे कम कर लेते हो तो लैग बिल्कुल नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो तुम इसे कम कर लो, जैसे कि मैं यहां पे 13 कर दिया हूं, लेकिन छोड़ो 15 कर देते हैं, चलो 15। और सेकंड चीज तुम लोगों को यहां पे सर्वाइवल सेलेक्ट करना है, और दूसरा नॉर्मल कर लेना है डिफिकल्टीज को, क्योंकि ये बेसिक इजी रहता है। और तीसरा क्रैक को ऑन कर लेना है। मेरे को भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुम लोगों ने प्ले स्टोर से तो माइनक्राफ्ट डाउनलोड किया नहीं है, इसलिए यार क्रैक को ऑन कर लेना। उसके बाद तुम लोगों को प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है, और यहां पे जाने के बाद दो चीज डाउनलोड करनी है छोटी सी। सबसे पहला गीजर एमसी, वो इसलिए बिकॉज हमने एक जावा सर्वर बनाया, और जावा सर्वर तुम लोगों को भी पता है, जावा और पॉकेट एडिशन को साथ में खेलने के लिए गीजर एमसी का प्लगइन काम करता है। तो गीजर एमसी प्लगइन डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तुम लोगों को प्लेयर ड्रॉप हेड सेलेक्ट करके सर्च कर देना है। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, इस पे क्लिक करना और इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना 1.3। जैसा कि इंस्टॉल होने ही वाला है, जैसे कि इंस्टॉल हो चुका है, अब जैसे कि अब तुम लोगों को बहुत ज्यादा ही जैसा कि कर रहा हूं मैं, चलो अब जल्दी से यहाँ पे आके तुम लोगों को सिंपली सर्वर को स्टार्ट करना। उससे पहले बता दूं कि एक बंदे का डाउट था पोर्ट कहां से चेक करते, तो गाइस यहां पे दिया गया है 62566, वो हमारा पोर्ट होता है। ठीक है, और बाकी सर्वर स्टार्ट कर लेना है। और जैसे कि तुम लोगों को ये भी पता हो कि जो ये आईपी होता है, आईपी बस मी ही तक होता है, आगे जो लगा हुआ है ना पोर्ट है वो। ठीक है, तो प्लीज अभी मैं बता दूंगा, अभी सर्वर में जाके तुम लोगों को बता दूंगा कि कैसे करते हैं। प्लीज तुम लोग गलत मत डाला करो, बाद में आके तुम लोग कमेंट करते हो। ऐसा क्या आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे तुम लोगों को जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे अकाउंट्स देख लेना लॉगिन है कि नहीं, और इसको ऑन कर देना है वाईफाई और मोबाइल डाटा, और टॉप वाले को भी ऑन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से बैक आके अब तुम लोगों को जाना है सर्वर वाले सेक्शन में, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताया था, ये देखो लास्ट का है जो 62566, और इसके पीछे का काट देना, बस मी ही तक रहने देना, और सर्वर का कुछ भी नाम डाल लो। और मैंने डाल के सर्वर स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल सर्वर, और मोबाइल डाटा ऑन है जैसे कि तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड, और लोकेटिंग सर्वर, और फाइनली यस हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, और क्या मस्त लग रहा है यार, स्पॉन भी गजब है। तो आ चुके हम लोग, अब तुम लोगों को सिखाना है। देखो सामने कौन है, आदि भाई लिटरली। अब आदि भाई आज तुम्हें मार खाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी स्किन क्यों पहन के आया, इसके लिए तो एक बनता है। और चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ हेड ड्रॉप होता है कि नहीं। तो एक और मारते हैं, एक और। तो फाइनली यार कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हेड ड्रॉप हो चुका है। तो फाइनली ये हमारा हेड स्टील एसएमपी बन चुका है जैसे कि तुम लोगों के सामने है, तुम लोगों के लिटरली सामने है भाई, और हेड में लगा के भी दिखा रहा हूँ लिटरली। स्पॉन हो गया वो, इसमें एक कमी है, मतलब मारने के बाद बंदा हेड लगाने के बाद स्पॉन होना चाहिए ना, इस कमी को हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे।
बाकी तुम देख सकते हो कि तुम लोग लेकिन हेड कलेक्ट कर सकते हो। एक सिंपल सा आइडिया, क्यों ना मैं पार्ट टू वीडियो बनाऊं जिसमें तुम लोगों को एक ऐसी वीडियो समझाऊंगा और लिटरली मारने के बाद जिसका भी तुम लगाओगे उसका हेड आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को ये दिखाऊंगा कि मतलब किसी को भी तुम मारोगे वो मर जाएगा और उसका हेड लगाने के बाद वो वापस से स्पॉन हो जाएगा। वाओ गाइज, और लिटरली इस वीडियो को लाने के लिए तुम लोग मदद कर सकते हो सिर्फ 2K लाइक्स। मुझे पता है कि तुम लोग करवा दोगे, और बाकी अगर जितने भी बंदे अगर सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज यार कमेंट में आके सब्सक्राइबर ओपी लिख देना। बाकी लव यू गाइस, यार तुम लोग कितने ऑसम हो यार, इतना सपोर्ट क्यों नहीं दिखाया करो, ठीक है, इतना सपोर्ट दिखाया करो। और जिनको नहीं पता हमारे चैनल के बारे में उनको भी बताओ, ठीक है। और मैं मिलूंगा ऐसे ही खतरनाक वीडियो के साथ पार्ट टू में, और भी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय गाइस।